हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। उसमें क्या क्या आता है, पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज में आएगा आपका कॉरेस्पॉन्डेंस, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स, यूपीसी, डिजिटल पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट एंड लास्ट वन इज द सेविंग स्कीम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सेविंग स्कीम से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो सेविंग स्कीम में क्या क्या आएगा, द फॉलोइंग द मेन सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ये मेन स्कीम है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक जो विभाग होता है हमारा उसने इंट्रोड्यूस करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिकरिंग डिपॉजिट में क्या आएगा, अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एनीबॉडी कैन गेट कम्युनिटेड अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड बाय पोस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ। बोल रहा है कि आरई स्कीम जो कि क्या होती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, कैन गेट एक्युमुलेट अमाउंट, एक एक्युमुलेट मींस जोड़ के टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ डिपॉजिटिंग अ सर्टेन अमाउंट। मतलब कि एक सर्टेन पीरियड, कोई पीरियड फिक्स होता है, सर्टेन अमाउंट कोई अमाउंट में फिक्स किया जाता है इसमें, एक एवरी मंथली जो है, क्योंकि हर महीने कोई व्यक्ति अगर एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट पोस्ट में जमा करवाता है तो उसको एक फिक्स पीरियड के बाद क्या मिलेगा, उसको एक्युमुलेटेड अमाउंट, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मीन जो उसने पैसा जमा करवाया है वो प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट बनेगा, दोनों ही प्लस होके जो उसके पास वो वापिस पैसा उसको मिलेगा। The amount to be deposited in such an account can be minimum rupees 10 only. बोल रहा है कि amount to be deposited मतलब कि जो amount deposit कराना होता है वो minimum कितना सकता है, rupees 10, ठीक है, only or in multiples of rupees 5 or 5 rupees भी हो सकता है। There is no limit of the maximum amount to be deposited. इसमें क्या होता है, कोई भी maximum मतलब कितना, कोई limit fix नहीं है maximum amount की, जितना मर्जी आप लोग उसमें जमा करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट हैज बीन फिक्स्ड एज 8.3 पर एनम, मतलब कि इस डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया गया है वो है 8.3% पर एनम वार्षिक, ठीक है, एनुअल। बी इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2013 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.3%। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ईयर बाई ईयर चेंज भी हो सकता है, कम ही होता है, ये ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है, दिस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये जो इंटरेस्ट है ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है आपका कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी 10 आर डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर 5 डेज, अगर आप 10 पे हर महीने 5 सालों के लिए जमा करवा रहे हैं तो 5 सालों के बाद आप जमा करवा रहे हैं तो आपको 5 सालों के बाद कौन सा मान मिलेगा, रुपीज 744.53। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, इसके फीचर्स क्या है, इसकी जो आरडी को व्यक्ति करवाता है तो उसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताओं में क्या क्या आएगा। नंबर वन है इसकी साइलेंट फीचर, इसकी जो फीचर्स है, नंबर वन है फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन इन दिस अकाउंट इज अवेलेबल। नॉमिनी क्या होता है, जैसे हम लोग कोई व्यक्ति अगर पति पत्नी में, अगर पति पैसा जमा करा रहा है तो नॉमिनी मीन्स उसकी पत्नी जो है उसका नाम वहाँ पे नॉमिनी के नाम पे भरा जाएगा, तो वो हो गया उसका नॉमिनी, ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन इज दिस अकाउंट इज अवेलेबल, तो ये जो नॉमिनी की फैसिलिटी है ये आरडी अकाउंट में लग है। सेविंग है, दिस अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। अगर आपने बाय चांस एक पोस्ट ऑफिस में
ये करवाया है, आरडी करवाई है, तो इस आरडी को हम दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी चेंज ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड है इसका, द सेम पर्सन कैन ओपन सेवरल रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि एक व्यक्ति जो है एक ही पोस्ट ऑफिस में एक से ज्यादा जो है आरडी अकाउंट जो खुलवा सकता है। नेक्स्ट है इसका फीचर, टू अडल्ट्स कैन ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट, जो दो अडल्ट है वो ओपन एक ज्वाइंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर में आएगा, द सिंगल अकाउंट कैन बी गॉट चेंज्ड इनटू द ज्वाइंट अकाउंट, यानी कि सिंगल अकाउंट जो है वो ज्वाइंट अकाउंट में चेंज किया जा सकता है, एंड ज्वाइंट अकाउंट कैन बी गॉट चेंज्ड इनटू सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट जो है वो सिंगल अकाउंट में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन केस द इंस्टॉलमेंट इज नॉट डिपॉजिटेड बाय द फिक्स्ड टाइम पीरियड, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो फिक्स्ड टाइम पीरियड में डिपॉजिट, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट डिपॉजिटेड बाय इन फिक्स्ड टाइम पीरियड, मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं फिक्स्ड टाइम पीरियड में अगर जमा नहीं करवाई जा रही है, डिफॉल्ट फी इज यूटिलाइज, तो उसमें क्या होगा, एक आपको डिफॉल्ट फी की पेनल्टी टाइप, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है पैसे उसमें देने पड़ेंगे। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट अगर छह एडवांस इंस्टॉलमेंट आप जमा करवा देते हो एडवांस में पहले से भी, तो आपको डिस्काउंट रिवेट मीन डिस्काउंट टाइप आपको उसमें से कुछ मिल सकता है। नेक्स्ट फीचर है, आफ्टर वन ईयर अ सिंगल withdraw up to 50% of the amount deposited in this account is allowed. एक साल के बाद अगर आप मान लो 500 पर मंथ जमा करवा रहे हैं तो वो हो गया 6000 पर एक साल का, तो बोल रहे हैं कि एक साल में आप 50% 60000 में से आप 3000 जो है 3000 जो आप उसमें से निकलवा सकते हैं। ये भी इसके मेन फीचर जो आरडी अकाउंट ओपन कराने के क्या क्या फीचर्स या एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो सारी इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ आरडी स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, तो इसके एडवांटेजेस में क्या क्या आएगा, द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम आर द फॉलोइंग, दिस स्कीम एनकरेज पीपल टू इन रेगुलर सेविंग हैबिट्स इन देमसेल्फ, जो ये स्कीम है इसमें क्या होता है लोग जो है वो अपनी रेगुलर एक सेविंग की जो हैबिट जो है उसमें इसको इंगेजमेंट बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है पीपल कैन इजीली रीच द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आर अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आरडी अकाउंट खुलवाया है तो जो व्यक्ति है वो इजीली आसानी से कहाँ पहुंच सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में वो हर जगह पे उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस में, the government can invest the amount obtained from this scheme in area which are more profitable, वो रहे कि government जो है इस amount को वहाँ पे invest कर सकती है जहाँ जो government को बहुत profitable area लगता है कि वहाँ पे invest करेगी तो ज़्यादा ज़्यादा profit होगा, तो इस पैसे को जो है government वहाँ पे invest कर सकती। Next है post office की जो अगर अभी scheme है national saving certificate व्यक्ति जो है वो मंथली पैसे जो है डिपॉजिट करा रहे हैं, लेकिन एनएससी में क्या है व्यक्ति जो है 5 सालों के लिए जो है उसमें अमाउंट जो वो फिक्स टाइप है एक जो उसमें डिपॉजिट करवा रहा है। The Department of Post refunds the amount invested in the NSC scheme along with compound interest to the investor after 5 years. जो Department of Post है, जो जिस व्यक्ति ने NSC लिए है, तो 5 सालों के बाद उसको जो पैसा है, उसको कैसे वापस करेगा? Compound interest के साथ। Next, there is a provision of exemption from income tax on the amount invested in NSC. क्योंकि वहाँ पे एक provision है, एक advantage type है जो आप कि जो व्यक्ति एजेंसी खरीदता है उसको इनकम टैक्स से क्या होता है एक एजम्पशन की छूट मिल जाती है। दिस इज द रीजन ऑफ दिस इज द वेरी रीजन दैट सैलरी पेड पर्सन हु फॉल विद इन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स गेट टेम्पर्ड टुवर्ड्स दिस स्कीम।
यही कारण है कि जो व्यक्ति होते हैं क्या बोलते हैं सैलरी पेड जो होते हैं या मतलब बिजनेसमैन जो हो सकते हैं इसमें, तो अपने टैक्स को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं एनएससी जो है परचेज करते हैं। बिसाइड्स दिस स्कीम अट्रैक्ट्स अदर पीपल आल्सो टुवर्ड्स इट्सेल्फ। इसमें क्या होता है ये स्कीम जो है अन्य लोगों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। द मेन रीजन फॉर दिस इज एडिक्वेट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एरिया। इसका क्या कारण है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी वापिस आती है, ठीक है। द अदर इन्वेस्टमेंट्स हैविंग स्टेक कॉम्पिटिशंस विद द एनएससी अवेलेबल इन द मार्केट शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तो बोल रहा है कि इसका जो कॉम्पिटिशन है जो एनएससी इसके साथ जो है मार्केट में, तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के साथ इसका जो कंपेरिजन टाइप किया गया है। तो बट दिस स्कीम ऑक्यूपाइज द लीडिंग पोजीशन, जो एनएससी है ये लीडिंग पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका पैसा जो है वो सेफ है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसके साथ गवर्नमेंट की गारंटी जो है वो चलती है। तो बशर्ते कि आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करें, तो आपको ये सजेस्ट मतलब स्कीम के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जो अपना पैसा है वो एनएससी में ही इन्वेस्ट करें। फीचर्स ऑफ नेशनल स्कीम सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम स्कीम्स स्काई क्या है। नंबर वन है इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ एनएससी, मतलब कि जो एनएससी है इसकी उपलब्धता। NSCs are available in all authorized post office and head offices in the whole country. जो NSC है वो सारी ही कंट्री में इसके पोस्ट ऑफिस में और हेड पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। इसमें अमाउंट जो है कम से कम भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और ज्यादा की तो लिमिट भी है। तो NSC की वैल्यू 500,000, 5,000, 10,000 आर अवेलेबल। जो मिनिमम लिमिट है बोल रहा है एनएससी की वो कितनी है 500 है लेकिन और देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन दैट। तो वहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं। थर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका? द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेक्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8.3 पर एनम। फॉर एग्जाम्पल अगर बोल रहे हैं कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 8.5% है। और फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 आप इन्वेस्ट करते हैं एनएससी में, अगर आज की डेट में आपने 10,000 उसमें इन्वेस्टमेंट की है तो वन विल गेट 15,162 आफ्टर 5 years। तो किसी व्यक्ति के द्वारा 5 साल के बाद 5,162 रुपये उसको वापस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ ऑन मैच्योरिटी। पेमेंट ऑन मैच्योरिटी में क्या है? The payment of maturity of NSCs can be obtained from any authorized post office. जो मतलब इसकी जो mature होते हैं NSC, तो आप इसकी जो maturity का amount, maturity के जो amount मिलेगा, तो आप किसी भी post office से उसको ले सकते हैं। The official making payment satisfies himself. लेकिन official जो होते हैं उसके officer या जिसके अंदर ये काम होगा payment होगी, उसको अपने आप को satisfy करना पड़ेगा कि इधर monopoly penalty उसको एक नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट मेल ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। जो इन्वेस्टमेंट है इसमें एनएससी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनर के बिहाफ के ऊपर भी की जा सकती है, इसका एक मेन फीचर है। द इन्वेस्टमेंट इन एनएससी कैन आल्सो बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर इफ बाय द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द माइनर बिकम एन अडल्ट। अगर मैच्योरिटी के टाइम पे जो माइनर है वो अडल्ट हो जाता है, ही हिमसेल्फ शैल साइन बाय गेटिंग अ पेमेंट। तो वो खुद भी उस मैच्योरिटी डेट के ऊपर या उस एनएससी के ऊपर वो साइन कर सकता है मैच्योरिटी डेट में। द सिग्नेचर शैल बी अटेस्टेड बाय द सेम पर्सन बाय हुम द एनएससीज वर परचेज ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। तो सिग्नेचर जो है वो सेम व्यक्ति के द्वारा वो मतलब जो उस व्यक्ति ने जिसने खरीदा है एनएससी उसके साइन के साथ मैच किया जाएगा परचेज करने के टाइम पे ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। माइनर के बिहाफ के ऊपर जिस व्यक्ति ने एनएससी को परचेज किया है तो उसके भी साइन जो है वो मैच किए जाएंगे।
नेक्स्ट है प्रीमैच्योर पेमेंट। अगर बाय चांस आपको बीच में पेमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है तो उसके लिए क्या प्रोविजन रखा हुआ है, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एनएससी इज 5 years। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है एनएससी का, 5 years होता है। जनरली देयर पेमेंट कैन बी गॉट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस पीरियड। तो सामान्यतः क्या होता है इस पीरियड से पहले जो है इसका जो पेमेंट है वो नहीं की जाती है, लेकिन बट समथिंग इज पॉसिबल इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द होल्डर ऑफ एनएससी। लेकिन जिस व्यक्ति ने अगर एनएससी दिए है बाय चांस उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये जो है जो ये चीज है वो पॉसिबल है। क्या चीज है कि इसका अमाउंट 5 सालों से पहले दिया विड्रॉ किया जा सकता है थ्रू द कोर्स। और एक और चीज है कि अगर कोई ऐसा केस चल पड़ा है कि कोर्ट केस की जरूरत पड़ गई, कोर्ट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली भी एनएससी की जो पैसों को है वो मेच्योरिटी डेट जो उसको इन्वाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूज एज सिक्योरिटी। इसको सिक्योरिटी के रूप में भी यूज किया जा सकता है। द फैसिलिटी लोन इज अवेलेबल ऑन द एनएससी। एनएससी के ऊपर लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लोन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक बाय कीपिंग देम एज सिक्योरिटी। इसको सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख के आप उसमें से लोन भी विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। नेक्स्ट है नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी में क्या है, नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑफ एनएससी इज अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैसिलिटी द नॉमिनी बिकम्स द होल्डर ऑफ द एनएससी व्हेन द ओरिजिनल होल्डर इज नो मोर अलाइव। बोल रहा है कि अगर एनएससी लिए है तो उसमें जो नॉमिनी है उसको पैसा वापस मिल सकता है, किस केस में अगर जो एक्चुअल जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी डेथ हो गई तो जो नॉमिनी है वो पैसा जो रिफंड ले सकता है। नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसकी एडवांटेजेस क्या है, द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम आर एज द फॉलोइंग। नंबर वन है इसकी टैक्स बेनिफिट। टैक्स में इसमें क्या होता है, रिबेट मिलता है। अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एंड्स। नेक्स्ट है रीइन्वेस्टमेंट वेल्थ। इसको इन्वेस्टमेंट के द्वारा से इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो उसको बोलते हैं रीइन्वेस्टमेंट। रीइन्वेस्टमेंट बेनिफिट में द अर्न और इंटरेस्ट ऑन द एनएससीज इन 1 year इज टेकन एज इन्वेस्टमेंट फॉर द फॉलोइंग इयर्स एंड द टैक्स बेनिफिट इज ऑब्टेन एक ऑन एक अंडर द सेक्शन 80C। बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट और एक साल में जो इंटरेस्ट बनता है वो फर्दर ईयर्स के लिए उसका जो वो इन्वेस्टमेंट टाइप के उसमें गिना जा सकता है अंडर सेक्शन 80C। दिस बेनिफिट इज ऑब्टेन अप टू द 5 first 4 years। पहले 4 सालों में इस जो बेनिफिट को लिया जा सकता है। क्यों, बिकॉज द मेच्योरिटी ऑफ द एनएससीज एट द एंड ऑफ द 5th year। जो एनएससी की मेच्योरिटी है एट द एंड ऑफ 5th year इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑल ड्यूरिंग दैट ईयर इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द वेरी रीजन दैट दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरेस्ट ऑल ड्यूरिंग द फाइनल ईयर। नेक्स्ट है जीरो रिस्क बेनिफिट। इसमें रिस्क जो है बिल्कुल जीरो है, तो ये चीज जो इसको एक बेनिफिशियल बनाती है। बिकॉज द गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्यों है इसका जीरो रिस्क, क्योंकि गारंटी जो गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट के जो पास में पैसा जाता है वो सेफ होता है, वापस मिलता ही मिलता है। बिकॉज द गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑफ इंडिया अवेलेबल इन दिस इन्वेस्टमेंट इज रिगार्डेड एज रिस्क फ्री। इस इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री जो है वो रिगार्ड किया जाता है। नेक्स्ट सफिशियंट इनकम वेल्थ। इसमें क्या है, द इनकम ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज मच मोर देन द इनकम टू बी अर्न ऑन ऑब्टेन ऑन अदर इन्वेस्टमेंट ऑन दिस कैपिटल। मतलब कि पोस्ट ऑफिस की जितनी स्कीम्स हैं तो इस चीज को जो है ज्यादा इनकम जो है बेनिफिट इसकी मानी गई है। नेक्स्ट ट्रांसफरबिलिटी ऑफ फैसिलिटी। ट्रांसफर जो है की फैसिलिटी बीच में अवेलेबल है। द ट्रांसफर एबिलिटी फैसिलिटी ऑफ एनएससी फ्रॉम द नेम ऑफ 1 person टू द नेम ऑफ अनदर पर्सन इज अवेलेबल। सिमिलरली दे कैन बोथ ट्रांसफर फ्रॉम 1 post office टू अनदर पोस्ट ऑफिस। तो इस स्कीम को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस की ओर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये देखा कि जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ओल्ड जो ट्रेडिशनल मोड्स और जो हमारे न्यू मोड्स हैं, तो ट्रेडिशनल मोड्स में लोगों ने आज देखा पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में हम लोगों ने दो तरह की
स्कीम को देखा, पहला था हमारा आरडी और दूसरा था हमारा